तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे शेयर्स, ऐसे कंपनीज की ऐसे शेयर्स आपको बताऊंगा जिनमें अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो तो आज से 4 और 6 महीने बाद आपको उनका इतना भयंकर रिटर्न मिलने वाला है जिसकी आपने कोई कामना नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं, ट्रस्टेड कंपनीज हैं, और आप अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हो तो आप उनमें बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन आपको उनमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है, उनमें आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इन शेयर को 4 और 6 महीने बाद रखते हो और उनको तब सेल करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो जो टॉप 5 शेयर्स मैंने आपके लिए चार्ट उनको बताऊंगा आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाकर। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गूगल पर और आपको 5 शेयर्स के बारे में बताता हूँ। तो जो अपना पहला शेयर है आप इधर देख सकते हो कि वो है PVR शेयर, यानी कि PVR जो आप जानते हो कि आप इसमें आपने कभी ना कभी सिनेमा देखा होगा, यानी पिक्चर्स देखी होंगी PVR सिनेमा, जो कि बहुत ही पॉपुलर है अपने सिनेमास के लिए, वो अब बंद हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, जिनके शेयर्स बहुत ही नीचे गिर चुके हैं। आप देख सकते हो केवल 1005 का इसका शेयर है, और आप इसका ग्राफ देखो तो इसका हाईएस्ट ग्राफ था एक दिन, यानी कि आज का जो इसका हाईएस्ट ग्राफ गया है वो 1000, यानी कि आप 1000 के पास 1050 के पार कुछ गया है, 1056 रुपये गया है इसका आज हाईएस्ट, और लोएस्ट इसका गया है आज 1005। आप इधर देख सकते हो, इधर मैं नीचे लेके चलता हूँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधे 5 दिन का, तो इसमें 5 दिन में क्या इसमें गिरावट आई है और क्या इसमें बढ़ावट आई है। तो इसका जो 5 दिन का है वो आप देख सकते हो, इसमें 958 का था 5 दिन पहले, और आज आप देख सकते देखोगे तो इसको 1005 है, यानी कि कुछ इसमें बढ़ावट आई है। और आप एक महीने का भी इस तरह से चेक कर सकते हो, एक महीने पहले 1000 का था और बढ़ के कुछ 1005 हो चुका है। और इसमें हम देखें तो 6 महीने में आपको देखना है हर शेयर प्राइस को, क्योंकि मैंने आपको वीडियो में बताया था अभी कि आपको किसी भी शेयर को 4 से 6 महीने तक रखना है, क्योंकि अगर आप 1 या 2 दिन के रखोगे तो आप इसमें लॉस में जा सकते हो, लेकिन आप 6 महीने के लिए रखोगे तो आप इसमें 100% आपको इसमें प्रॉफिट होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मुझको पता है कि ये सेक्टर अब ग्रो करेगा, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सिनेमास भी खुलेंगे, सिनेमास के खुलने के तुरंत बाद ही इसमें जो इसकी सेल्स होगी वो बढ़ जाएगी और इनके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। तो आप इधर देख सकते हो 6 महीने पहले इनके शेयर का प्राइस था कुछ 1740 रुपये, और आज आप देख सकते हो कि 6 महीने बाद कोरोना के बाद इसका 1005, यानी कि 740 के करीब रुपयों की इसमें खपत हुई है, यानी कि इसकी गिरावट होगी पिछले छः महीने में। तो भाई आपको भी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसमें केवल 10 शेयर खरीदें और 10,000 के इसमें शेयर खरीद लें, और आपको अगर ये अगर हम इसमें मान के चलें कि 6 महीने बाद अगर 1740 भी हुआ, 1700 रुपये भी हुआ, तो आपको इसमें 7000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है भाई, तो जो कि बहुत ही अच्छा शेयर है। अब अपना दूसरा शेयर है इंडिगो शेयर प्राइस, यानी कि जो हम इंडिगो, यानी कि जो आप फ्लाइट में कभी घूमे होगे, नहीं घूमे तो घूम जाओगे अगर आप इस शेयर में पैसे लगाओगे। तो भाई इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है, इंडिगो यानी कि आप फ्लाइट है, आप सब जानते हो प्राइवेट कंपनी है इसका। अगर आप 6 महीने का सीधे हम 6 महीने के देखते हैं, क्योंकि 1, 2, 5 दिन से हमको कोई फ़ायदा होने वाला है, मैं आपको सीधे 6 महीने का इसका शेयर प्राइस दिखाता हूँ। तो 6 महीने पहले इसका शेयर का प्राइस था 1436 रुपये, जो कि आज है 993 रुपये, आप देख सकते हो। और कुछ दिनों पहले तो इसका केवल 800 रुपये से 850 रुपये तक इसका शेयर प्राइस था। तो भाई इसमें आपको पैसे लगाना बहुत ही उचित है, क्योंकि अगर आप 993 में इसको शेयर को खरीद लेते हो और आप 6 महीने बाद केवल 6 महीने बाद इस शेयर को बेचते हो तो आपको इसमें बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी दिखेगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन खुलने को आपके 1-2 महीने बाद आपको इस शेयर को बेच देना है, जिससे कि इस सेक्टर में आपको पता चले कि कितनी बढ़ावट होने वाली है। तो भाई इस सेक्टर में आपको जरूर ज़रूर पैसा लगाना है, क्योंकि PVR सेक्टर जो है वो सिनेमास के लिए, और ये सेक्टर यानी कि आप एयर में प्लेन में जाते हो, क्योंकि बहुत सारी जर्नी कोरोना की वजह से रुक गई हैं। आप इसमें पैसे लगाओगे तो जो जैसे ही सारी कंपनी शुरू होंगी वो एयरप्लेन को यूज़ करेंगी, जैसे ही इनकी शेयर की प्राइस बढ़ जाती है तुरंत आपको इसको बेच देना है और आपको इधर से प्रॉफिट कमा लेना है। तो भी अपने जो तीसरा शेयर प्राइस है वो है अपना HUL शेयर प्राइस, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप सब जानते हो कि आपके घर में तेल आता है, शैम्पू आता है, वो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ही आएँ, बहुत सारी कंपनीज हैं FMCG कंपनी, इसको FMCG कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो इसका शेयर का प्राइस है 2205 रुपये आज। तो इसके सीधे हम 6 महीने का ग्राफ देखते हैं तो आप इधर देख सकते हो कि इसमें कितना गिरावट हुई है। तो भाई 6 महीने पहले ये था 2158 का, जो आज है 2231 रुपये का, यानी कि इसमें बढ़ावट हुई है। और इसमें अगर हम 1 महीने में देखें तो इसका जो 8 अप्रैल को 2154 का था और यह 2205 का था,
2005 का हो चुका है। तो भाई अब मैं आपसे कहता हूँ HUL ये 6 महीने में गिरावट इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जो थोड़े दिन पहले थोड़ी थोड़ी दुकानें खुलने लग गई हैं तो इनका सामान आने लग गया है हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड का, तो भाई इसलिए इनका शेयर प्राइस बढ़ चुका है। लेकिन आप पे अभी भी मौका है, लेकिन आप अगर आप इधर भी 2205 रुपये में लगा देते हो, 10 शेयर भी खरीद लेते हो 20-22 हज़ार रुपये की, तो मैं आपको एक साल का दिखाता हूँ इनका, ये एक साल का दिखाऊँ तो मैं आपको देख सकते हो आप एक पिछले एक साल में इनका जो शेयर प्राइस था 1732 था और आप देख सकते हो 2205 हो चुका है, आपको 501 रुपये की आपको इधर आपको बढ़ावा दिखेगी पिछले एक साल में। और ये इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि अभी कुछ दुकानें खुल चुकी हैं, इनका सेल बढ़ चुकी है, इनकी सेल हो रही है इसलिए इनका शेयर बढ़ चुका है। जैसे ही और भी कंपनीज़ की सेल होगी उनका भी शेयर बढ़ जाएगा। तो अपना जो चौथा शेयर है बहुत ही अच्छा शेयर है IRCTC का। आप सब जानते हो आप ट्रेन में सफ़र करते हो, आपने ट्रेन की टिकट खरीदते हो, टिकट IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की कंपनी चालू करती है, बहुत ही अच्छा शेयर भाई। मैंने इसमें पैसा लगाया, मैंने इसमें खूब पैसा कमाया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने इसमें लगाया था 1 महीने पहले पैसा, तो जब इसका 1 महीने पहले का शेयर था आप देख सकते हो 1083, ये तो 1083 आपको दिखा रहा है, लेकिन मैंने इससे भी पहले लगाया था जब इसका शेयर केवल था 800 रुपये, केवल भाई 800 रुपये, और अब आप देख सकते हो 1324 रुपये। लेकिन मैंने अभी इसके शेयर को बेचा नहीं है, मुझे पता है अभी 6 महीने बाद और ग्रो करेगा, जब मैं इसको बेचूंगा तब मुझे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। मैंने इसको केवल 800 रुपये में खरीदा है, लेकिन आपने अगर आप 1-1.5 महीने पहले आपने खरीदा होगा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब मैं इसको 6 महीने का ग्राफ दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो इधर का इसका था 881 रुपये, आप इधर सिंपली देख सकते हो इसका शेयर का प्राइस था 881 रुपये, जो अब बढ़ के हो चुका है भाई 1324 और 28 के ऊपर। तो मैंने इसका पहले खरीद चुका हूँ भाई, इसमें आप पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है ये, क्योंकि मुझे पता है कि जैसी ट्रेन अभी बंद पड़ी है और जैसी ट्रेन का सेक्टर खुलेगा, जैसी सरकार ट्रेन खुलवा देगी तुरंत उनकी सेल बढ़ेगी और इसका शेयर का प्राइस और दुगना हो जाएगा और मैं इसको बेच के इधर से निकल जाऊँगा और अच्छा प्रॉफिट कमाऊँगा। तो इस शेयर में भी आपको पैसा लगाना है, ये अपना चौथा शेयर कंप्लीट होगा। तो भी अपना जो पाँचवा शेयर है और आखिरी शेयर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप सबको पता है कुछ दिन पहले न्यूज़ आई है कि फेसबुक ने रिलायंस कंपनीज में 10% का स्टेक लिया है और जैसे ही उन्होंने स्टेक लिया तुरंत इसका शेयर का प्राइस बढ़ चुका है। अब मैं इसको 5 दिन पहले का इसको शेयर का प्राइस दिखाता हूँ आपको, तो 5 दिन पहले का इसका शेयर प्राइस था कुछ 1375 के आसपास और भी नीचे था, और भाई और इसका आज आप देख सकते हो 5 दिन में इसने कितनी बराबर किया, 100 रुपये की बराबर किया है। और आप मैं आपको 6 महीने का दिखाता हूँ, तो 6 महीने में इसके थे 1457 और ये अब बढ़ के हो चुका है भाई 1426, यानी कि अब इसमें भी बढ़ावत हुई है, क्योंकि भाई क्योंकि जैसे ही फेसबुक ने इसमें स्टेक लिया, आप अगर देख सकते हो 1077 का था 1 महीने पहले, केवल 1 महीने पहले जब फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया था और इसमें फेसबुक की इन्वेस्ट करते ही इसका इसकी सेल बढ़ गई। और भाई जियो मार्ट भी लॉन्च होने वाला है, इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप शेयर कर इसको इसके शेयर खरीद सकते हो, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है। आप सबको पता है मोटा भाई अंबानी की कंपनी है, जो पांचों कंपनी आपको बताई वो मैंने आपको एकदम रियल कंपनी बताई, जेन्युइन कंपनी बताई, कोई भी फ्रॉड कंपनी बताई नहीं है। मैंने आपको 5-10 साल से चल रही है कंपनी, मैंने आपको हर सेक्टर में लेके गया हूँ, मैंने आपको हर सेक्टर की एक एक कंपनी बता दी है, जिसकी मैं आप अगर आप कुछ भी लॉस होता है, लॉस तो आपको होना ही नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये कंपनी 6 महीने बाद ग्रो करने वाली है, क्योंकि ये जो सेक्टर मैंने आपको चूज़ किए हैं वो ट्रैवल के हैं, टूरिज्म के हैं और टेक्नोलॉजी के, जो कि अगले 6 महीने बाद बहुत ही अच्छे ग्रो करने वाले हैं। भाई इन सेक्टर में आपको अगर पैसा लगाते हो तो भाई अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट में आपको शेयर में इंटरेस्ट मिल सकता है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको सब कुछ करना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको मोबाइल स्क्रीन पर बताया, जो टॉप 5 शेयर्स मैंने आपको बताए हैं उन शेयर्स को अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हो। अब मैंने आपके सबके लिए, अगर आप 10th क्लास के हो, RBSE यानी राजस्थान बोर्ड के हो, तो मैंने आप सबके लिए वेबसाइट चालू की है जिसमें आप 10th क्लास की हिंदी इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट्स की जो भी मेरे पास पासबुक्स हैं, जो भी एक्सलेंट है और जो संजीव है, उन सबकी मैंने एक फोटो कॉपी यानी कि आर्टिकल आपके लिए वेबसाइट में डाल दिए हैं, जिसकी मदद से आप इस लॉकडाउन पीरियड में फ्री में उस वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हो। अगर आपकी क्लासेस आपको समझ में नहीं आता है ऑनलाइन क्लासेस में, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर उन आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो, उसमें आपको चैप्टर्स की क्वेश्चन आंसर्स और सब कुछ आपको व्याख्या के संग सब कुछ हिंदी में आपको सब मिल जाएगा, सब कुछ उपलब्ध है। उस वेबसाइट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उधर आप चेकआउट कर सकते हो और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।